हेलो, वेलकम टू तनीषा व्लॉग। अभी मैं बना रही हूँ मसाला छाछ, और इसको बनाने के लिए मैं ले ली हूँ यहाँ पे ये दही। ये वजन में 500 ग्राम दही है और ये घर का बना हुआ दही ताज़ा है। तो और मसाला छाछ बनाने के लिए यहाँ पे आइटम ले ली हूँ मैं। ये हरी मिर्च है जो बीज निकाल के मैं ले ली हूँ, जिससे ज़्यादा तीखा नहीं होगा। और ये अदरक है, ये पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता को अच्छे से धो के मैं कटिंग करके ले ली हूँ। और यहाँ पे ये जीरा पाउडर और गोल मिर्च पाउडर है, ये काला नमक, ये व्हाइट नमक और ये आइस क्यूब। तो अब मैं इस सबको पीस लेती हूँ इस मिक्सी जार में डाल के। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ये हरी मिर्च और ये अदरक का टुकड़ा, और साथ ही मैं डाल रही हूँ मैं ये धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता जो मैं धो के कटिंग करके ले ली हूँ। और अब मैं इसमें डालूंगी ये भुनी हुई जीरा पाउडर और गोल मिर्च पाउडर, ये दोनों। और साथ ही मैं डाल दूंगी ये मैं एक चम्मच काला नमक और ये व्हाइट नमक। ये नमक इतना डालना है जितना आपका छाछ का क्वांटिटी आपको बनाना हो उसके अकॉर्डिंग नमक डालें। तो ये है व्हाइट नमक। और अब मैं डालूंगी इसमें ये आइस क्यूब। और अब इस सबको मैं ढक के अच्छे से पीस लूंगी। तो देखिए इसको मैं अच्छे से पीस ली हूँ, देख सकते हैं। अब मैं इसको इसमें निकाल ले रही हूँ। और इसी जार में फिर मैं इस दही को भी डाल दूंगी। देख सकते हैं अब इसमें थोड़ी सी लगी है, मैं पानी डाल के इसको भी डाल दे रही हूँ। अब मैं इस दही को भी ढक के ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखिए दही को भी मैं अच्छे से ग्राइंड कर दी हूँ, देख सकते हैं ये कितना मस्त ग्राइंड होके रेडी हो गया है। अब मैं इसको भी इसमें मिक्स कर दूंगी। इस जार में थोड़ी सी लगी हुई है, इसमें भी मैं पानी डाल के थोड़ी सी पानी डालूंगी और इसको भी ऐसे मिक्स करके इसमें डाल दूंगी। इस दोनों को मैं मिक्स कर दे रही हूँ ऐसे मिला के, मिलाते हुए। और अब मैं डालूंगी इसमें 3 से 4 गिलास पानी। सबको ऐसे मिक्स कर दूंगी, देख सकते हैं ऐसे। देखिए तो अब ये छाछ बनके रेडी है। तो इस तरह से मसाला छाछ बनके रेडी हो गया है। तो आप लोग भी इस तरह से मसाला सॉस बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।